साल था 1960 और डेट थी 19 सितंबर। भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, पर इस बार वजह कश्मीर नहीं बल्कि इंडस रिवर सिस्टम का वाटर शेयरिंग था। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या टसल्स हैं, क्या कुछ इश्यूज आए हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, और आखिर ये न्यूज में क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा कि 64 ईयर्स पुरानी ट्रीटी में कुछ रिव्यू और मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। सेम नोटिस, कुछ वैसा ही नोटिस इस साल रिसेंटली फिर से भेजा गया। अब इंडियन गवर्नमेंट को अलाउ कौन करता है इन मैसेजेस को भेजना? इंडस वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 क्लॉज 3 सजेस्ट करता है कि समय समय पर, टाइम टाइम पर दोनों गवर्नमेंट, दोनों देश मिलकर इस ट्रीटी में मॉडिफिकेशंस और रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब दोनों देश उस पर एग्री कर जाएंगे। तो कुछ इसी तरीके से शुरुआत हुई इन नोटिस पर्सपेक्टिव की। इससे पहले कि हम प्रेजेंट पर्सपेक्टिव पे पहुंचे, हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी आखिर है क्या। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात की जाए, अगर इंडस वाटर ट्रीटी को हम समझने की कोशिश करें, तो जैसा मैंने आपको बताया 64 ईयर्स हो चुके हैं। 1960 में ट्रीटी साइन की गई थी, डेट वॉज 19 सितंबर। इस ट्रीटी को 9 साल की कंटिन्यूस जद्दोजहद के बाद साइन किया गया। वर्ल्ड बैंक को इसमें पार्टनर बनाया गया, जो ब्रोकर की तरह एक्ट कर रहा था, जो नेगोशिएशंस में हेल्प कर रहा था दोनों देशों की। फाइनली कराची के अंदर 19 सितंबर को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया, जो बहुत ही बड़ा एक वाटरशेड मूवमेंट था दोनों देशों के रिलेशंस के लिए। क्योंकि दो ऐसे देश जो किसी भी तरीके से आमने सामने बैठकर एग्री करने को तैयार नहीं है, फाइनली उन्होंने किसी चीज पर एग्री किया। ऑफ कोर्स उसमें 9 साल लगे, लेकिन फाइनली कोई एग्रीमेंट तक हम पहुंच पाए। इसलिए उसे बहुत ही वाटरशेड मूवमेंट और एक वाटरशेड ईयर की तरह, एक वाटरशेड ट्रीटी की तरह देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी की तरह देखा जाता है। अब समझने की कोशिश करें कि इस ट्रीटी में आकर इंडस रिवर वाटर को किस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश की गई। इंडस रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न रिवर सिस्टम और वेस्टर्न रिवर सिस्टम। जब ईस्टर्न रिवर सिस्टम की बात की जाती है तो हम बात करते हैं सतलज की, रावी की और ब्यास की। जब हम वेस्टर्न रिवर सिस्टम की बात करते हैं, इंडस की, हम इंडस की बात करते हैं, चेनाब की बात करते हैं और झेलम की बात करते हैं। तो इस ट्रीटी के अंदर यह कहा गया कि जो ईस्टर्न रिवर सिस्टम है, मतलब सतलज का पानी, सतलज का पानी, रावी का पानी और ब्यास का पानी, पूरी तरीके से इंडिया यूज कर सकता है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कंप्लीट कंट्रोल जो है उसका इंडिया के पास है। लेकिन जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, जिसमें हम बोल रहे हैं इंडस, चेनाब और झेलम, इन तीनों रिवर्स का फ्लो किसी भी तरीके से भारत नहीं रोक सकता, और नेचुरली जितना भी पानी है वो पाकिस्तान को अलाउ किया जाएगा। अगर इस ट्रीटी का कंक्लूजन देखा जाए तो हम यह बोल सकते हैं कि इस ट्रीटी के अंदर लगभग 70% पानी इंडस का, 70% पानी पाकिस्तान में जा रहा है और 30% पानी भारत यूज कर सकता है। अब इस ट्रीटी के अंदर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 3 क्लॉज 1, जो ये बोलता है कि जो वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, ये जो तीन रिवर हैं, इंडस, चेनाब और झेलम, इनका पानी किसी भी तरीके से पाकिस्तान पहुंचने से भारत नहीं रोकेगा। तो एक ऑब्लिगेशन है इंडिया के ऊपर अंडर दैट इंडस वाटर ट्रीटी के, वेस्टर्न रिवर्स में किसी भी तरीके से कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा इस बात को, आगे काम आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रीटी आई गेस आपको समझ में आ चुकी होगी। अब इंडिया इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट क्यों करना चाहता है? देखो, 64 ईयर्स पहले ये ट्रीटी साइन की गई थी, 64 सालों में काफी कुछ बदल चुका है। वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है, पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ चुका है, नए एनवायरमेंटल चैलेंजेस आ चुके हैं। इंडिया रेन्यूएबल सोर्सेस की तरफ बढ़ रहा है, अपने कार्बन एमिशंस को कम करना चाहता है, तो अपने एमिशंस को अचीव भी करने की कोशिश करेगा। उस अचीवमेंट के लिए हमें कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बनाने होंगे, और अगर मैं वेस्टर्न रिवर सिस्टम पे किसी भी तरीके से कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं या किसी भी तरीके से उन तीनों रिवर्स पे कोई यूसेज नहीं कर पा रहा हूं उनका, तो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल नहीं कर पा रहा, वहां के डेमोग्राफिक चेंजेस को टैकल नहीं कर पा रहा, जो मेरे एमिशन टारगेट्स हैं शायद उनको भी मैं अचीव ना कर पाऊं, या जो डेली लाइफ की डिमांड है उनको भी फुलफिल ना कर पाऊं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इंडिया चाहता है कि एक बार जो ट्रीटी की गई है 1960 के अंदर 64 ईयर्स पहले, उसको अब एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। अगर अगला पॉइंट देखा जाए, इससे इशू रिलेटेड तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब बेसिकली दो पर्सपेक्टिव हमारे साथ ये आ रहा है कि भारत दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है, किन पर? वेस्टर्न रिवर सिस्टम पर। कौन सी रिवर्स पर? एक है किशनगंगा रिवर प्रोजेक्ट, जो कि आपको देखने को मिल जा रहा है झेलम के ऊपर। एक किशनगंगा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, तो झेलम के ऊपर आपको एक किशनगंगा प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि चेनाब के ऊपर बनाया जा रहा है। भारत का मानना है कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट
रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें जो रिवर का नेचुरल फ्लो है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, किसी भी तरीके से किसी पानी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा रहा, मतलब जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर पाकिस्तान पहुंचना चाहिए वो अभी भी पाकिस्तान पहुंचेगा, हम किसी भी तरीके से वाटर को स्टोर करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इंडस वाटर ट्रीटी का कोई वायलेशन नहीं होता है। पाकिस्तान लेकिन कंटिन्यूअसली इस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअसली इसके अगेंस्ट आवाज उठा रहा है, बोल रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट जो है इंडस वाटर ट्रीटी की जो बेसिकली कंडीशन है उनको वायलेट करता है। अब इशू खड़ा हो जाता है सबसे पहला इन दोनों प्रोजेक्ट्स को लेके। अब सबसे पहले न्यू दिल्ली ने बोला कि पाकिस्तान ये जो इशू क्रिएट कर रहा है इन दोनों वाटर प्रोजेक्ट्स को लेके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेके, दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से कोई भी रिव्यू या मॉडिफिकेशन इस ट्रीटी के अंदर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उन्होंने एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया है कि पहले इसका जवाब चाहिए, पहले इन प्रोजेक्ट्स को बंद करो या फिर इसका रिजोल्यूशन करो। अब जब तक इनका रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तब तक कोई किसी भी तरीके की बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। 2015 में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इन दोनों हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाए, वो न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा वर्ल्ड बैंक। लेकिन 2016 में यूनिलेटरली, मतलब अपनी ही मर्जी से, उसने उस रिक्वेस्ट को विड्रॉ किया और नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है कि नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं चाहिए, सीधे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाना है। इंडिया इस बात से एग्री नहीं करता, इंडिया बोलता है कि नहीं जी, न्यूट्रल एक्सपर्ट ही अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि दैट्स द वे ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन अंडर इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी खुद भी एक तरीका बताती है कि अगर दोनों देशों के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होती है तो उसे किस तरीके से रिजॉल्व किया जाता है। उस स्टेप को अगर देखा जाए तो उसमें तीन स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो सबसे पहले तो दोनों कंट्रीज अपने इंडस कमिश्नर्स अपॉइंट करेंगे, मतलब दोनों कंट्रीज अपने एक ऑफिशियल्स को भेजेंगी जो नेगोशिएट करेंगे, विन विन सिचुएशन पे पहुंचेंगे और इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इशू तब भी रिजॉल्व नहीं हुआ तब क्या होगा, वर्ल्ड बैंक एक न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, वो नेगोशिएट कराएगा, अगर उससे भी रिजोल्यूशन नहीं निकल पाता है तब आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हो, जो कि हेग बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल मैटर्स को सुनने के लिए जानी जाती है और जिसका जजमेंट बाइंडिंग होता है। अगर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का कोई जजमेंट आता है तो वो इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो सर्टेनली इंडिया इज नॉट इन फेवर के डायरेक्टली हम परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पर जाए, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, इंडस कमिश्नर ठीक है उससे नहीं निकल पा रहे, रिजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो वी शुड मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्टेप, वो क्या है, न्यूट्रल एक्सपर्ट को हमें अपॉइंट करना चाहिए, अगर उससे रिजोल्यूशन नहीं निकलेगा देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो वर्ल्ड बैंक का रिस्पॉन्स है, इन्होंने बोला कि यार दोनों के तुम्हारे, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट चाह रहा है एक परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाह रहा है, तो दोनों के आउटकम भी डिफरेंट हो सकते हैं, कंफ्लिक्टिंग हो सकते हैं, इसलिए पहले तो कोशिश करो कि आपस में ही रिजोल्व कर लो। 2017 से लेकर 2022 तक कंटिन्यूअसली हमने मीटिंग्स करी, इंडस कमीशन की मीटिंग्स हुई, परमानेंट इंडस कमीशन जिसे हम बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई रिजोल्यूशन नहीं निकल पाया क्योंकि पाकिस्तान इज एडमेंट अबाउट इट कि यार किसी भी तरीके से प्रोजेक्ट्स रन नहीं करने चाहिए। इवेंचुअली 2023 में जब हम वापस आते हैं तो सेम चीज के न्यूट्रल एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होना चाहिए, तो कंटिन्यूसली टसल बनी हुई है। अगर रिसेंट डेवलपमेंट देखे जाए, 17 अप्रैल 2023 को सिक्स मीटिंग हुई थी यूनियन मिनिस्ट्री स्टीयरिंग कमेटी की इंडस वाटर ट्रीटी के मैटर्स को लेकर। कमिटी ने रिव्यू किया कि ये जो ऑनगोइंग मॉडिफिकेशंस की डिमांड है इन्हें किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। 6 जुलाई 2023 बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बोल रहा है कि नहीं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज कॉम्पिटेंट कि मैं डायरेक्टली इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को रिजोल्व करने के लिए कॉम्पिटेंट हूं और ये केस मेरे पास आना चाहिए, लेकिन इंडिया इज नॉट एग्रीइंग टू इट। इंडिया सेड कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है जिसके अंदर पहले आप न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट करोगे अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक, अगर वहां से रिजोल्यूशन नहीं निकलता है तो मैं पीसीए के पास जाऊंगा, अदरवाइज इट वुड बी द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। 21 सितंबर 2023 को एक इंडियन डेलीगेशन गया था लेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस, जिन्होंने न्यूट्रल एक्सपर्ट द्वारा प्रोसीडिंग्स जो चलाई गई है वियना के अंदर उनको प्रोसीड में उनमें पार्टिसिपेट किया, इवेंचुअली उन्हें सुना। आज की डेट में भी किसी भी तरीके से हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं, रिव्यू मॉडिफिकेशन की अभी भी नीड है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है, पाकिस्तान इज स्टक ऑन गेटिंग द इशू टू द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। इंडिया वांट्स के जो आईडब्ल्यूटी का प्रोसीजर है उसे फॉलो किया जाए, मॉडिफिकेशंस की जो जरूरतें हैं उसे पाकिस्तान भी समझे, हमारे यहां डेमोग्राफी चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस उनके लिए भी हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एक टेबल पर बैठ के इसे इशू को रिजॉल्व करने की तरफ मूव करें, क्योंकि जैसा हम बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, अगर किसी भी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी में रिव्यू या मॉडिफिकेशन पे हमारा वापस एग्रीमेंट बनता है तो कहीं ना कहीं हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि कुछ फर्स्ट स्टेप आफ्टर सो मेनी इयर्स लिया गया है टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन टू नेबर्स, टू साउथ एशियन नेबर्स।
और जो जरूरी भी है साउथ एशिया और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए, एटलीस्ट इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी, जो मेजर टसल चल रही है बिकॉज ऑफ दो टू प्रोजेक्ट, वन ऑन झेलम अनदर ऑन चेनाब, और किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान आज भी एक टसल में उलझे पड़े हैं जो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसका अभी नियर बाय निष्कर्ष देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जाने से पहले एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस अ क्वेश्चन फॉर यू रिगार्डिंग आईडब्ल्यूटी। इंडिया हैज रिसेंटली इशूड अ नोटिस टू पाकिस्तान सीकिंग अ रिव्यू ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी साइटिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, द इंप्लीकेशंस ऑफ द इंडियाज रिक्वेस्ट फॉर अ रिव्यू एंड द पोटेंशियल चैलेंजेस दैट मे अराइज इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाटर सिक्योरिटी इन द रीजन। डू अटेम्प्ट इट, ट्राई टू आंसर विद द कंटेंट गिवन बाय मी इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ गुड डे।